was a statement made in Gujarat on the issue where there was a communal carnage in 2002, and I was very amused when Mr. Advani made that famous statement that Narendra Bhai is not a, cannot be a merchant of death, but he can be a Hitler. गुजरात में कि जब 2002 में चुनाव लड़ रहा था तो ये हमारे कांग्रेस के मित्र भाषण करते थे मोदी डेवलपमेंट की बात क्यों नहीं कर रहा है, और मैं 2007 की बात कर रहा हूं चुनाव लड़ रहा था तो हमारे कांग्रेस के मित्र मैं डेवलपमेंट की बात करता था तो किसी भी हालत में उस दिशा में जाने को तैयार नहीं थे। पूरे डिबेट में कांग्रेस हमेशा डेवलपमेंट के विषय से भागती रही। अब उनकी बात का मुद्दा तो था नहीं, कोई एलिगेशन लगाना संभव नहीं था। बीसीपीटी कैसे गुजरात की जनता को कन्विंस नहीं कर पा रही थी। मुझे लगता है तब उन्होंने गुजरात के चुनाव की तो आशा छोड़ दी थी, लेकिन वो गुजरात के बाहर के अपनी बोर्ड में इसको एड्रेस करना चाहते थे। तो ये मैदान को गुजरात बनाया था, लेकिन खेल वो आउट ऑफ गुजरात लड़ रहे थे, तो गुजरात को गंवा चुके थे। उनको लगता था गुजरात के बाहर ये चीजें शायद काम कर जाएगी, लेकिन शायद उनका झूठ कितने दिन चलेगा। द पॉइंट इज डेवलपमेंट इज डेफिनेटली इश्यू। दिस इज व्हाट हिटलर ऑल्सो सेड व्हेन ही रोज टू पावर। But the point is, development for whom? Until and unless you involve every section of society, it doesn't mean anything to every section of society. Only one question to Modi ji: how many tickets did you give to Muslims in Gujarat? How many tickets BJP gave to the Muslims in Gujarat, which constitute about more than 10? उन्होंने मुझे सवाल पूछा है कि आपने मुसलमानों को कितने टिकट दिए? मेरी पार्टी में आज भी ऐसे पंचायत, नगर पालिकाएं, जिला परिषद सारे में मुसलमान मेरे यहां मेंबर है और चीज करके आए हैं। और मैं आपको पूछता हूं गुजरात में इसी समय कांग्रेस के 17 मुस्लिम एमएलए हुआ करते थे, 17। इस बार कांग्रेस ने सिर्फ 4 टिकट दी, ओनली फोर टिकट। क्योंकि आप 17 देते थे, 4 क्यों हो गए? क्योंकि आपको लगा कि जीतने के लिए ये आपका एयरपोर्ट बैठना नहीं है। आपको 17 से 4 क्यों जाना पड़ा भाई? आपका सही नहीं है। इट वॉज मच मोर। द पॉइंट आई ट्राई टू मेक इज डोंट द मुस्लिम्स लिव इन योर स्टेट, डोंट कांट बी रिप्रेजेंट इन द विधानसभा और इन द पार्लियामेंट। अगर वो चुनाव जीत करके आएंगे बैठेंगे मेरी असेंबली में, आज भी 4 मुस्लिम एमएलए हैं, आज भी मेरी असेंबली में 4 मुस्लिम एमएलए हैं, पर वो 4 कांग्रेस पार्टी के, इस पार्टी के हैं, मेरे राज्य के हैं भाई। दिस इज व्हाट आई एम से, पॉलिटिक्स ऑफ एक्सक्लूजन। मेरे राज्य के कैसे एक्सक्लूजिव? आज अभी देखिए आपको, आपने राज्यसभा में कितने लोगों को दिया मुसलमानों को, इसके आधार पर तय होगा क्या? आपके कैबिनेट ने जितने मुसलमानों को दिया इसके आधार पर तय होगा क्या? यही ये सोच जो है ना, इसी के खिलाफ मेरा विरोध। हिन्दुस्तान का कोई भी नागरिक चुनाव लड़ रहा है, हाई इंडियन मुस्लिम, हाई इंडियन मुस्लिम। मैं आपको बताऊं, आपने कितने पारसियों को टिकट दिया? गुजरात में पारसी कम्युनिटी है। आपने कितने सिखों को टिकट दिया? गुजरात में सिख कम्युनिटी है। आपने कितने ईसाइयों को टिकट दिया? गुजरात में ईसाई कम्युनिटी है। क्या इसी तरह देश चलाएंगे क्या? और साहब, लेकिन देश इस तरह से भी नहीं चलेगा कि लोगों की हत्या होती जाए, लोग वहां मरते जाए और आपका सरकार उन लोगों को, हत्यारों को बचाने में लगे। ये दिग्गी राजा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे जो 2002 में गुजरात में घटना है, और आप जब वहां पर मुख्यमंत्री था मैं, तब आप महामंत्री थे बीजेपी के इंचार्ज मध्य प्रदेश में, और गुजरात सरकार ने मध्य प्रदेश की सरकार को, महाराष्ट्र की सरकार को, राजस्थान की सरकार को तुरंत फैक्स चिट्ठी भेजी कि मुझे तत्काल पुलिस की मदद चाहिए, आपका पुलिस फोर्स मेरे यहां भेजिए।
तीनों कांग्रेस ऑन स्टेज आई एम टॉकिंग अबाउट 2004 का, और इन्होंने मना कर दिया, इन्होंने मना कर दिया। मैं तो आज भी हमारे देश में कहीं कोई घटना घटती है, एक राज्य दूसरे राज्य में पुलिस फोर्स की मदद लेता है, ये तीनों राज्य कांग्रेस ने मदद करने से इनकार कर दिया। मित्रों, डेवलपमेंट बिकेम एन इश्यू अर्लियर, बट लेटर ऑन यू गेट दैट इश्यू अप एंड वेंट फॉर दिस कंट्री। देखिए, आपके जितने पोल प्रिडिक्शन के सर्वे आए इन अक्टूबर 2007, इलेक्शन हुआ दिसंबर 2007, अक्टूबर के सारे प्रिडिक्शन इंक्लूडिंग मेरे जो पिछले 5 साल से मेरे कारण जिनकी रोजी रोटी चलती वाले दे करके, उनके प्रिडिक्शन भी ये कहते थे कि गुजरात में बीजेपी 110 से ज्यादा लेगी, सबके प्रिडिक्शन। और कभी किसी ने ये नहीं कहा था गुजरात में बीजेपी हार सकती है, और इसलिए किसी एक वाक्य के कारण जनमत बदल गए और मुझे वोट मिल गया। तो मित्रों, हिंदुस्तान के हर इलेक्शन में ऐसा एक शब्द उछल जाता है तो कहीं चुनाव की तो हुआ नहीं, लेकिन चूंकि गुजरात को झूठे आरोप लगाकर के इतना बदनाम किया गया है, और जब डेवलपमेंट के बैंक पर वो जीत करके आता है, वो विरोधी लोग बचा नहीं पा रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि फलाने कारण जीत गए वरना तो हार मत आए। ये जो पिछले 6 साल से लगातार एक तूफान चलाया गया है, उनको एक सहारा मिल गया है बचने के लिए कि हाँ यार, ये न बोलते तो मोदी का मतलब आया था, तो ये शायद उनके काम आया है, मेरे काम नहीं आया है।